आज फिर से वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और नेगेटिव निकल पड़ेगी। अभी जाएंगे हम बाजार सबसे पहले। तो वैसे मैंने ब्लॉग बंद कर दिए थे, पर बहुत से मुझे मैसेज आए और मैंने सोचा बना ही लेता हूँ। तो जो हमारा पहला जो टूर रहेगा वो रहेगा बस स्टैंड का, और उसके बाद जाएंगे देखेंगे हम आगे का क्या बनता है आगे। आप देख सकते हैं मेरे साथ है जस्टिन, और जस्टिन ने बोला कि आप ब्लॉग प्लीज़ नहीं रुके, हुआ कंटिन्यू बनाए रखें, तो इसलिए मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ ब्लॉग। गाइस आज बस में मिले हमें मॉरिसन भाई, तो हमने इन्हें कहा कि ब्लॉग को कंटिन्यू रखिए, बंद मत करिए। आप रामपुर में कितनी हाथापाई हो रही है दिन दहाड़ी, तो रात को कितने केस चलेंगे यहाँ पे। सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आपने देखा कि मैं नेगी जी के साथ आधे रास्ते निकल गया था। अब फिलहाल मैं गसो में हूँ, बस पकड़ के सीधे ही गसो को निकला। अब यहाँ से जाऊँगा मैं मंदिर को, क्योंकि आज हमारा लास्ट दिन है दिवाली का। उसके बाद जो दीप्ता साहब है, बारी लगती है हमारी, चार गांव की बारी लगती है। तो अब आएगी गसो और तंगलू की बारी, वो एक साथ बारी लगाते हैं। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ जो ये पार दिख रहा है, ये मंदिर है हमारा, अभी दिखाऊंगा। देखो ये देख सकते हैं आप, ये जो ऊपर दिख रहा है ये हमारा मंदिर है। अभी ऊपर जाना है हमें। गुड मॉर्निंग, हैप्पी बैसाख की टू ऑल। आज 14 अप्रैल, और आज सिखों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि आज है बैसाखी। बैसाखी का जो पर्व है, एक्चुअली ये इस टाइम जो सिख धर्म के 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह जी, उन्होंने खालसा जी की स्थापना की थी। तो मैंने उठना नहीं था, अभी बाहर तो अंधेरा ही है, गाँव आया हूँ आज मैं, और मम्मी ने कुछ अपने ट्रेडिशनल लैंग्वेज में गाना गाया। मम्मी कैमरे से शाय करते हैं, पर मैं ऐसे ही रिकॉर्ड कर दूंगा मम्मी का गाना, ओके, और आपको बताऊंगा उसका मतलब। सो अब हल्की सी आँख खोलते हैं और चलते हैं बाहर, मम्मी से मिलते हैं, और मम्मी आज सरप्राइज हो जाएंगी। बेटा इतने जल्दी उठ गया, बेटा उठा है आप सबके लिए। तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, मैं फिर से आ गया हूँ यूट्यूब में गाइस। कॉल है क्यों तेरे जो? इस चक्की को सुबह सुबह कोई काम नहीं, खेलने का मन कर रहा है इसको, और मम्मी मना करती है इसके साथ खेलने को, क्योंकि ये बीच बीच में दाढ़े भी चुभा देता है मुझे। मुझसे करता है बहुत ही ज़्यादा प्यार। ये देखो क्या घास खा रहा है, इसको वेजिटेरियन कुत्ता है हमारा, घास खा रहा है ये देखो। सो अभी आया हूँ मैं खेत में, तो मम्मी ने बोला कि आज के दिन जौ में चलना सबसे ज़्यादा अच्छा और शुभ माना जाता है। जौ मीन्स नीचे देख सकते हैं इंग्लिश वर्ड जौ का, और अभी आपको भी चलाते हैं जौ में। तो ये है जौ, अब सो ये आप देख सकते हैं, ऐसे चलना पड़ता है इनमें। बस ये ख़राब नहीं करनी है, क्योंकि मेरे भाई के हैं, और भाई नाराज़ ना हो, बस हल्का सा चलूँगा भाई, फिर मैं वापस जा रहा हूँ। क्योंकि अब हम तो बीजते नहीं है, बहुत कम ही रह गए हैं जौ को बीजते हैं। जब मिलते हैं ये जैकी, इसने तहस नहस कर दिया हमारा पूरा बगीचा।
इसका काम है सिर्फ तहस नहस करना। सुबह सुबह उठ जाता है, आज तो मैं भी उठा हूँ, आज तो पूरा फायदा उठाएगा ये। देखो इसकी शक्ल, देखो इसकी भोला सा भोली सी सूरत है। रात को मेरे को भोंकता है, फिर जब देखता है मैं आ गया हूँ, फिर तो भाई पागल हो जाता है। देख सकते हैं ये चांद भी अभी है, आधा चांद, और ये प्याज खराब कर रहा है, इसको कुटूंगा मैं कुछ टाइम बाद। हाँ देखो इसको कैसा मासूम बने, में घर आके तो अब इसको भूख लगती है ना और प्यास लगती है तब। मेरे पीछे का व्यू कुछ ऐसा है, देख सकते हैं आप माउंटेन्स कैसे क्लियर दिख रहे हैं। यार ये चुपचाप बैठा है, मैं कमरे में था ना अभी इसलिए पड़ा। ये बहुत तंग करता है मुझे। देखो इसको क्या हो गया, हर कुछ खाएगा तो ऐसे ही होगा। चल निकाल, खौं खौं लगाया ऊपर, पता नहीं हर कुछ खा रहा था। ये घास, हाँ जिसने तीन चार प्रकार के घास खाए, खाना देती है फिर भी घास खाता है सुबह सुबह। नहीं तू व्लॉग में आई है, चल ठीक है, तुझे बोलती मैं व्लॉग में नहीं आती, ले जा। आने वाले हैं मम्मी से, पहले एक चीज़ शूट कर लेते हैं, मम्मी को व्लॉगिंग बिल्कुल पसंद नहीं है। तो आज अब जाते हैं किचन की ओर, पकवान जो कि बहुत ही ज़्यादा स्पेशल, कुछ ना कुछ बना होगा आज, और देखते हैं क्या बना है आज, क्योंकि आज साझा है, मम्मी ने कुछ ना कुछ स्पेशल बनाया होगा। ये मेरी की मम्मी आते हुए ये शर्माते हुए। आज बने हैं पोल्डा, पोल्डा। सो अब निकल गया मैं यहाँ से, घर से सबको टाटा बाय करके बस स्टैंड की ओर, शरशाफ्ट की बस स्टैंड। अब यहाँ बस आएगी, बस पकड़ूंगा और मैं रामपुर आ जाऊँगा। मैं मतलब यहाँ से जाने का मन नहीं करता है, पर जाना पड़ता है गांव से। मम्मी की याद आती है बहुत, और आप समझ सकते हैं मम्मी से कितना प्यार होता है सबको। ये फ्लावरिंग हुई है हमारी सेबों में, ये बगीचे हैं एप्पल्स के ट्रीज, और आंसू निकल गए, मम्मी की याद आएगी फिर से। मिलते गाइस आगे। अब ये हम शरशाफ्ट अपने गांव के बस स्टैंड में, ये है बस स्टैंड, और HRTC बस आ चुकी है, जहाँ ना हो कोई वहाँ होती है HRTC। बस खत्म होती है HRTC, हिमाचल प्रदेश की ऐसी बसेस है जो कि हर गांव हर क्षेत्र में जाती है, जहां पहाड़ी जंगल हो, रोड खराब, हर जगह जाएगी HRTC। तो HRTC का मज़ा लें, और कई ऐसी ऐसी स्कीम्स है जिसके वजह से आपको प्रॉफिट हो सकता है, जैसे आपके ग्रीन कार्ड मेरा 30% ऑफ हो जाए। फाइनली पहुंच चुका हूं मैं रामपुर बुशहर, अपने घर, होम टाउन ही बोल सकते हैं इससे भी। अभी जाऊंगा रूम में, थोड़ा काम है, और उसके बाद वापस बताता हूं कहां जाता हूं। आज सरप्राइज़ है आपको। टाइम हो चुका है दिन का, अब जाते हैं मंदिर को, रेडी होते हैं क्योंकि आज है स्पेशल डे। वो मंदिर जाके पता लगेगा आपको कि क्या खास है आज। बस से उतरने के बाद चल पड़ा हूँ अब चढ़ाई में। आपने सारे ब्लॉग में देखा होगा, यहाँ से थोड़ा चलने को होता है 1-2 किलोमीटर, फिर मैं सीधे ही मंदिर में पहुँच जाऊँगा। मिलते हैं। तो पहुँच गया मैं मंदिर, अभी दिखाता हूँ आपको आगे का व्यू। ये हमारी कुटी। मैं पहुंच चुका हूं मंदिर में, और आपने जो आगे देखा वो था एक नाटक। आज क्या किस चीज
हमारी देश में। और मेरे साथ मेरी बहन एक साइड तक तू तक क्या चल रहा है आज? आज हमारे आरोग्य देवता गाजर जी का दर्शन मेला चला है, तो आप देख सकते हैं जिसको जो अलग अलग मुखौटे में यहाँ पर आदमी बेच कर घूम रहे हैं वो स्वांग कहा जाता है उन्हें, जो आज बेची मेले स्वांग मतलब मेले के दिन निकल स्वांग मतलब ये कार्टून है, कार्टून टाइप होते हैं देवता की अपनी अपनी कथाओं में, मतलब अलग अलग रोल निभाने वाले कार्टून अलग अलग मुखौटे, कोई कुछ होगा कोई क्या होगा, तो जैसे ये परे देख सकते हैं आप ढोल बजाते हुए घूम रहा है सारे कांकड़ में, जो असली एक्ट है अब स्वांग का जो होता है वो अब स्टार्ट होगा, क्योंकि अभी तक जो भी हो रहा था वो सिर्फ ट्रायल था जो आपको मैंने दिखाया है, अब असली एक्ट चलेगा। जो ये एक्ट है ये हिमाचल प्रदेश में होता है, एक शिमला डिस्ट्रिक्ट और भी डिस्ट्रिक्टों में भी होता है, तो ये हर जगह बिरसी मेला होता है, तो हर जगह अलग अलग मंदिरों में सब ये अपने अपने निकलते हैं स्वांग टाइप सबके, तो अभी बाकी दिखाएंगे आपको, दिखाते हैं अभी एक्ट ब्लॉग आगे। सो यहाँ गाँव के ये अंकल बाय हाय, और ये मालिक साहब, ये हमारे ढोलकी थे ढोलकी वाले। मालिक को सजाया गया है क्योंकि आज इनका मेला है टिशु मेला, हमारे किरदार राज के मालिक साहब को कहते हुए कि खेल स्टार्ट किया जाए।
ये बारी बारी से अपने साथियों को बुला रहा है, ये इसके साथी आ रहे हैं। लगाएगा और एक और यहाँ से आएंगे। देखो कुछ अलग अलग नाम रखे होते हैं इनके, अपने अपने स्टाइल में आते हैं। और ये देखो पेप्सी गोला, ये है पेप्सी गोला। ये था पेप्सी गोला। तो नाम लिया कुछ, ये तो बड़ा दूत आया, इसके अपने स्टाइल से आ गए। ये देख सकते हैं आप, यहाँ कुछ बच्चे अपने एक्ट करते हैं। ड्रेसअप देख सकते हैं आप इनका, कितना यूनिक होता है इनका ड्रेसअप। लाइक चेक, पैर नहीं, हाथ नहीं। पक्षी आधा इंसान आधा पक्षी, हाँ चल को आया। बस तो हेलो गाइस, ये है हमारा चड़कू। चड़कू तो दीज आर द पब्लिक्स। तो ड्रामा तो चला रहेगा, हम जाते हैं लंच करने, लंच भी जरूरी है। बॉयज लंच करके आ चुके, बॉयज कर लिए लंच, रिफ्रेशमेंट लेने चल पड़े बंदे। और यहाँ कुछ रिफ्रेशमेंट, यहाँ चोरी चोरी खाते हुए छुपते हुए। नहीं खाना कहाँ जा रहे घूमने, इसको क्या पता। भाई वो आयान तब तक नहीं, ये भी आएगा पहले वो बैठने दो। सो वेलकम बैक टू माई YouTube चैनल। अभी बैठे हैं हम बिल्कुल मालिक साहब के सामने दरबार में अभी, और यहाँ मेरे साथ मिस्टू भाई, मेरे बड़े भाई, और हमारे पुजारी जी। तो आज आज क्या है पुजारी जी बताएंगे, टिशू ये नहीं बताएंगे तो मिस्टू भाई नहीं चले। आज टिशू था यहाँ पे और जो कि खत्म हो चुका है, हमारे भाई थोड़ा लेट आए, पर मैं आपको दिखा दूंगा क्योंकि है मेरे पास वीडियो, तो आप बाकी आप नीचे का सीन देख सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा प्यार करें, शेयर लाइक सब्सक्राइब। हाँ जी तो अब हम निकल चले हैं मंदिर से, एक और यात्रा है हमारी तो जाना पड़ेगा। आपको दिखा दिया मैंने टिशू, अब आगे दिखाएंगे हम आपको एक और मेला, पहुँचेंगे कि नहीं पहुँचेंगे वो लगेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जो आगे का ब्लॉग है वो कंटिन्यू रहेगा। ज़्यादा से ज़्यादा प्यार करें, शेयर लाइक सब्सक्राइब।